देखो आओ आओ मामी घूम गए वाले ये तो हम सरस्वती शिशु मंदिर बिलासपुर के भैया बहनों ने सच्चे और सब पर एक नाटक तैयार किया है। आशा करते हैं कि आप इस पर गौर करेंगे और अपना योगदान देंगे। कोलका आज भी है, कल भी डांस हुआ रहा कोलका तो नहीं गाना गाया रहा भोग और सर का फोन आ गया। कमाई बोल रहा हूँ। हेलो सर जी यस ओके कर रहे हैं जी हाँ आप जल्दी हो चलिए जी ठीक है जल्दी पेश स्कूल को नहीं नहीं नदी में फेंक के आते हैं सर पहुँचने वाले हैं। अरे अरे रुपये आप क्या कर रहे हो क्यों दिखनी रहा फैक्ट्री का कूड़ा नदी में डाल रहे हैं आप अपनी फैक्ट्री का कूड़ा नदी में क्यों फेंक रहे हैं इससे तो नदी गंदी हो जाएगी और सब तो डालते कैमरे डालने से नदी गंदी हो जाएगी जैसे आप करेंगे वैसे आप ही करेंगे तो आप और उनमें क्या फर्क रह जाएगा तो और सब तो करते कैमरे नदी वो हो जाएगी प्रदूषित हो जाएगी इनकी बात कौन सुनेगा ये देखो इनकी बातें हमें क्या भाई हमें क्या जरा मेरे घर की तरफ भी देख देना मैं अपनी झोली को नहलाने जा रहा हूँ ठीक है मेरे नल में पानी कम आ रहा था तो मैं अपनी झोली को नदी किनारे नहलाने जा रहा हूँ कितना ठंडा पानी है आनंद आ रहा है अरे अरे रुपये आप क्या कर रहे हो क्या आपको दिख नहीं रहा मैं अपनी डोली को नहला रहा हूँ वही देख के तो हमसे बोला हमसे घर में क्यों नहीं लहरा रहे हो नल में पानी कम आ रहा तो मैं अपनी डोली को नहलाने यहाँ आ गया था अरे ऐसे पानी ले जाके भी तो धो सकते है ना अपनी डोली को इतना टाइम किसके पास है नदी को गंदा करने के लिए टाइम है लेकिन यहाँ से पानी ले जाकर डोली को नहलाने के लिए टाइम है चलो उसकी बात कौन सुनेगा डोली ये देखो इनकी बातें हमें क्या भाई हमें क्या भाई हमें क्या प्रियंका मैं जरा कपड़े धोने जा रही हूँ जरा मेरे घर के भी तरफ भी धो देना हाँ ठीक है जल्दी आना अरे अरे रुपये आप क्या कर रहे हो दिखाई नहीं दे रहा कपड़े धो रही हूँ वही देख के तो मैं आपसे बोला नदी किनारे कपड़े की धो रहे हो नल में पानी नहीं आ रहा था इसीलिए मैं नदी किनारे आ गई आप यहाँ से पानी जगह ले जाके भी तो धो सकते थे ना इतना टाइम किसके पास था नदी को गंदा कर लिया उस टाइम है लेकिन यहाँ से पानी ले जाके घर में कपड़े धो लिया उस टाइम भी है सब लोग तो कपड़े धोते हैं फिर गंदा हो जाएगा मुझे ये देखो इनकी बातें हमें क्या भाई हमें क्या भाई हमें क्या मैं नदी किनारे बर्तन धोने जा रही हूँ मेरे घर में भी देखना हाँ हाँ जरूर देखूंगी अरे अरे रुपये आप क्या कर रहे हो क्यों दिखती ना मैं बर्तन धो रही हूँ वही देख के तो हम बोला उसे घर में किन धोरे बर्तन है वो नल में पानी नहीं आ रहा था मैंने सोचा नदी किनारे आता हूँ बर्तन धोने के लिए आज यहाँ से पानी ले जाके भी तो धो सकते हैं ना इतना टाइम किसके पास है नदी को गंदा कर दिया उस टाइम मैंने यहाँ से पानी ले जाके आपके पास धोने के लिए आपके पास टाइम नहीं है क्या तुमने बर्तन धो रही मेरे बर्तन धोने से नदी गंदी हो जाएगी थोड़ा मुझे ये देखो इनकी बातें हमें क्या भाई हमें क्या हमें क्या भाई हमें क्या देना जरा मैं मंदिर जा रही हूँ मेरी घर की ओर भी देख देना हाँ हाँ जय गणेश मेरी पूजा तो खत्म हो गई अब मैं सिर्फ मैं करने जाती हूँ अरे अरे रुपये आप क्या कर रहे हो दिखाई नहीं दे रहा मैं पूजा का सामान नदी में विसर्जित करने जा रही हूँ इसे आप तुलसी में डालिए नदी में डालने में धर्म होते गंगा को गंदा करने का काम का धर्म है क्या और लोग डालते हैं मेरे डालने से नदी गंदी हो रही तो होने दो मुझे क्या ये देखो इनकी बातें हमें क्या पता सुझा रही है किस तरह से आप लोग नदी को गंदा क्यों कर रहे हैं आपको बताया नदी को गंदी बनाने के लिए शिव मुनियों ने कितनी तपस्या करी थी लोग तो नदी में कूड़ा फेंकते हैं नहाते हैं आपको स्वामी नजर आए और लोग भी जैसा लोग करेंगे वैसा ही आप भी करेंगे तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा पहले तो आप अपनी
हम क्यों करें नदी साफ, हमारा क्या जा रहा है। वैसे भी मुझे और बहस नहीं करनी, वैसे भी मुझे और कोई बहस नहीं करनी। नदी गंदी हो रही है तो होनी तो मुझे क्या, देखो इनकी बातें। क्या भाई हमें क्या, अरे क्या भाई हमें क्या। अरे यार मेरी चीज तो खत्म हो गया है, तुम्हारी खत्म हो गया है। तू जरा आ गयो, ये तो सर्दी जुकाम लग गया। अरे यार मेरी तो गोली मर गया, अब की करूँ भी। अरे यार मेरे लग की छर, अब मैं दूध कैसे पीऊंगा। क्यों आपको कान नहीं सुनाई दिया क्या, इधर भी इतने लोग डिस्कस कर रहे थे। नहीं सुना दिया तभी तो आपसे पूछ रही हूँ मैं। सर्दी जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, जल संरक्षण को अपनाना चाहिए। जल बचाओ, जीवन बचाओ, जल जीवन का आधार है। चलो इसी खुशी में हम सब मिलकर एक सफल लेते हैं। हम सब मिलकर, क्या सफल लेते हैं, क्या सफल लेते हैं। आपके बाद से नदी को कभी भी गंदा नहीं करेंगे, आपके बाद से कभी नदी को गंदा नहीं करेंगे। और अपने आस पास रहने वाले लोगों को भी, और अपने आस पास रहने वाले लोगों को भी, नदी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए, नदी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। धरती में गंगा माँ बैठ, गंगा माँ शिव जी की जटाओं में दम मा रहती है। ऋषियों ने उन्हें गर्व रखा था, धरती में गंगा माँ बताया था, गंगा माँ को गंगा छोटा होगा कबूरा राजा। झूमर तालियां इन बच्चों के लिए। मैं आप लोगों के संज्ञान से कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन चल रहा है वो थोड़ा सा विधा अलग है। ये बच्चों का जो हमारा ग्रुप था वो नाटक के तहत है, तो इसमें ये एक ही विद्यालय है, तो इनको जो भी स्मृति चिन्ह होगा, जो भी चीज होगा, उसको हम बाद में इसका निर्णय करेंगे। एक बार इतने छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अपने मुखाग्र बिंदु से इतनी सुंदर बातें कही कि हम नदी को ना गंदा करेंगे, तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और एक शपथ ले हम सभी कि हम गंगा की अविरल धारा की स्वच्छता को सदा बनाए रखेंगे। स्वच्छ भारत, निर्मल भारत के इस जन जागरण को जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत थैंक यू।